हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कोरोना की सेकंड वेव के कारण आज कंडीशन बहुत वर्स हो चुकी हैं और गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि आप घर पर बैठे ही स्टडी करें। तो उन बच्चों के लिए जो घर पर बैठे प्रैक्टिकल अपने मिस कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम आज बीटेक फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल जो वर्कशॉप्स होती हैं उनमें पहली वर्कशॉप करेंगे कारपेंट्री शॉप। तो उसमें आज हम आपको कारपेंट्री शॉप दिखाते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कारपेंट्री शॉप। आज आप कारपेंट्री की शॉप के बारे तुम्हें इंट्रोडक्शन जो लैक्चर देने जा रहे हैं, जिस दे असी कारपेंट्री शॉप के आइटम्स आप तैयार करते हैं, की साडा रॉ मटीरियल है, की साडे टूल्स ने, इन्हां दे रिलेटेड आप गल करांगे। जिवें तुसीं बच्चों नाम तो ही पहला तुहानूं पता है कि कारपेंट्री वुडवर्क्स के नाल रिलेटेड जिहड़ी हैगी है एक जॉब वर्कशॉप हैगी है, जिस दे विच रॉ मटीरियल जिहड़ा है वो असी वुड यूज़ करते हैं। ऐ जिवें पीस तुहानूं दिखाया जा रहा है, ये पीस जिहड़ा है सामिल तो असी तैयार करके तो फिर इतने रख्या हुआ ताकि बच्चों की सहूलत लिए जॉब जी है वो ईजीली बन जाए। लकड़ कई तरीके की होंगी है, ये आपां अपनी वर्कशॉप का जो है लैक्चर है ये दौरान दसांगे जी। तो इन चीज़ों के अलावा तुम जानते हो कि बाकी शॉप्स जी एम एस यानी कि माइल स्टील जॉब यूज की जा उन्होंने माइल स्टील एक जरा वो असी बाजार को जिस तरह ही लैके आए हैं उस तरीके असं यूज कर लें, जबकि कारपेंटरी शॉप के यूज होने वाला जो मटीरियल है जो वुड है वो क्योंकि एक लिविंग पार्ट की लिविंग बॉडी का एक पार्ट है, दरखत का एक पार्ट है। ठीक है, तो जिमें किसी भी लिविंग बॉडी में कोई भी डिजीज हो सकती है, कोई उस डिफेक्ट पैदा हो सकता है, ऐसे तरीके जी वुड हैगी है आप बाजारों जो परचेज करके लिया तो ये भी कई तरीके के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वो भी आप डिफेक्ट्स भी जोड़े ने वुड के जोड़े पाए जाते हैं जनरली उन्होंने बारे आप गल करेंगे। वुडवर्क्स के एक चीज़ जी सारे नालों वधिया आप कह सकते हैं कि टूल्स जोड़े ने बड़े ही इंट्रस्टिंग टूल्स ने जिन्हें आप कम करिए तो आपूम करते हैं बहुत जरा मजा आता है, अपन लगता कि हाँ अभी काम किया। आप जिन्हें भी साढ़े को टूल्स ने जो आप एक एक टूल के बारे आप गल करा तो गल इस वीडियो के जो टाइमिंग तो काफ़ी वही हो जाएगी। आप इस थोड़ा जहा ग्रुप वाइज आप स्टडी करते हैं कि असी मेनली जोड़े साढ़े टूल्स है कारपेंटरी शॉप के इन्होंने असी सिक्स कैटेगरीज आप डिवाइड कर देने। सिक्स कैटेगरीज सब तो पहली कैटेगरी जी हुई है टूल्स की, दैट इज मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल के साडे मेन दो टूल आ जाते हैं, जिस तरीके देख रहे हो मेरे हाथ में टूल जोड़ा असी पकड़िया, असी इसन इंच टेप कहने फ्लैक्सीबल इंच टेप। ये बाजार के तकरीबन दो साइज मिलती है, एक 3 मीटर की लेंथ में, एक 5 मीटर की लेंथ में। ये ध्यान दो दो तरीके की मार्किंग हुई हुई है, एक पासे थोड़ी ब्रॉड खुली चौड़ी चौड़ी मार्किंग हुई हुई है, एक पासे काफ़ी जी है नैरो मार्किंग है। यह जी नैरो मार्किंग हैगी है ये सेंटीमीटर स्केल है साड़ा, तो जोड़ा चौड़ी मार्किंग है वो इंच टेप जिसनों असी आप इंच स्केल कह सकते हैं। तुम देख रहे हो गए अपनी वीडियोज 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच। ठीक है, ये है FPS सिस्टम जिहड़ा पहला यूज़ किया जाता सीगा, हुण मार्केट में क्योंकि MPS सिस्टम जिहड़ा वो ज़्यादा चलता है, असी इस करके सेंटीमीटर स्केल जिहड़े ने ज़्यादा यूज़ करते हैं। जॉब की लेंथ के अकॉर्डिंगली असी साढ़े जिहड़े है छोटे जिहड़े स्केल हैगे आ जिसनों असी स्टील रूल कह दें, यह भी उही चीज़ है पर ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक हों, यानी 12 इंच का, 1 फुट 12 इंच, दैट मीनस 1 फिट 12 इंच जोड़े है वो 1 इंच कह सकते हो एग्जैक्टली 25.4 मिलीमीटर होंगे। 25.4 आप इसको एग्जैक्टली
25 मिलीमीटर ले लेने हैं, 25 मिलीमीटर दैट इज 30 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर। छोटी जॉब के अकॉर्डिंग भी असं जेकर किसी चीज़ की लेंथ या ब्रेड्थ नापनी हो असी इस तरीके थंब न अगले पास रख के स्केल टच करते हैं तो इतों असी मिलीमीटर की स्केल तो रीडिंग ले लें। जिमें तुम इस वीडियो शायद देख रहे हो गए इट इज़ 36 मिलीमीटर। कारपेंटरी शॉप के जॉब के बारे जो भी गल करते हैं तो असी सेंटीमीटर वगैरह नहीं असी बोलते, असी मिलीमीटर के इसको कन्वर्ट करके लेंथ ब्रेड्थ जी है दसते हैं। मेनली साढ़े को मेजरिंग टूल दो ही है, स्टील रूल एंड स्टील टेप, असं मेजरिंग टेप भी कह दें। नैक्सट मेजरिंग टूल तो बाद असी जिहड़े दो गल करते हैं मार्किंग टूल जिहड़े है। मार्किंग टूल जिवें कि नाम तो पता लग रहा है काम करन दे जिहड़ा असी जो अपनी जॉब के उपर कोई मार्क करना है लोंगिट्यूडनल भावें अक्रॉस द लेंथ कोई भी असी जो मार्किंग करनी है तो असी मार्किंग टूल के नाल मदद कर इन्हां दी मार्क करते हैं। मार्किंग टूल वास्ते साडे कोल जी यह दो टूल तुसीं देख रहे हो, यह दो टूल सिर्फ इन्हां दी लंबाई का लेंथ का फर्क है, अदरवाइज परपज़ इन्हां दा सेम है। इस टूल नूं असीं कहिंदे आ ट्राई स्क्वेयर, ट्राई स्क्वेयर। यह ट्राई स्क्वेयर जिहड़ा आ इह जॉब के उपर 90 डिग्री एंगल जिहड़ा आ मार्क करने काम आता है किसी भी जॉब के उपर। आप जी यह जॉब है इस जॉब के उपर आप इस लेंथ के अकॉर्डिंगली 90 डिग्री का मार्क लगाना है तो असं इनू इस तरह मार्क लगाने की कोशिश करते स्टूडेंट, जबकि यह जरा इस तरह नहीं रखना कभी भी, इनू हमेशा एंड नाल टच करके तो फिर असी इस थान मार्क कर सकते हैं। इस सरफेस के अकॉर्डिंगली आवली जी है लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी 90 डिग्री एंगल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यह असं इनू कहने ट्राई स्क्वेयर। एक सेम चीज़ ट्राई स्क्वेयर वर्गी ही है पर यह 90 डिग्री तो इलावा किसी भी एंगल के उ सैट कर सकते हैं, अदर दैन 90 डिग्री कोई भी जेकर सैटिंग करनी हो इस टूल की तो वह असी इस तरीके जिमें मान लो असी इतने को मार्किंग करनी है तो एंगल की सैटिंग पहला असी कर लेनी है टूल की, इतों फिर असी मार्क कर सकते हैं कि इन्ने डिग्री एंगल आप जरा देख रहे हो। तो इस तरीके जो टेपर मार्किंग करनी हो इस टूल का यूज किया जाता है जिसनों असी कहने बैवल स्क्वेयर। दिस इज ट्राई स्क्वेयर एंड दिस इज बैवल स्क्वेयर। इन्हों टूल्स तो इलावा साढ़े को एक होर टूल है जिमें ड्राइंग दी क्लासेस दे विच आपां पैरल लाइन ड्रा करनी होए तां तुसीं जानदे हो आपां इक साडे कोल टूल हुंदा है जिहड़ा पेपर दे उपर आपां पैरल लाइन ड्रा करनी है या 90 डिग्री एंगल ड्रा करना है पेपर दे उपर ड्राइंग शीट दे उपर तां असीं उहनूं कहिंदे आ ड्राफ्टर। पर कारपेंटरी शॉप दे विच स्पैशली 90 डिग्री जां जिस भी चित्रे की मार्किंग करनी है उस मार्किंग नूं हाईलाइट करन वास्ते जां जिथे भी असीं उस मार्किंग के उपर कोई टूल यूज करना है तो असी एक यह टूल तुसी देख रहे हो जिमें इस टूल दे विच तुहानू एक पिन नज़र आ रही है पिन, यह पिन इस सरफेस तो असी अगे पिछे कर सकते हैं। ये उपर जिमें एक स्क्रू तुसी नगा देख रहे हो, इस पिन का डिस्टेंस इस सरफेस तो एडजस्ट कर सकते हैं असी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगे पिछे करके जिथे भी रखना हो मुड़के असी इसनों टाइट कर दीदा आ। ठीक है, तो इस तो बाद जिमें आप टूल के उपर ही मार्किंग करनी है तो इस तरीके आप मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके देखो हाँ तुम जिमें देख रहे हो
इस तरीके की एक मार्किंग हो जाएगी। इस मार्किंग के ऊपर असी जिवें चाहिए सा चला सकते हैं इस तरीके। आ जी मार्किंग तुम्हें नज़र आ रही है ये उपर उपर असी सा जी है वो यूज कर लवेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रेट कट मार। इस तरह का असी एक टूल होर हों जिद डबल पिन होंगी है, यह सिंगल पिन वाला इस इसमें मार्किंग टूल कहने हैं या मार्किंग गॉज, मार्किंग गॉज या मार्किंग गेज एक चीज़ है। तो जे यो पिन असी डबल पिन यूज़ करिए जिद दो पिन होंगे ने तो असी उसनों कह दें मोर्टाइज गॉज, मोर्टाइज गॉज तो मार्किंग गॉज काम सेम कर दिया, पर मार्किंग गॉज के असी एक पेन वाली यूज़ करते हैं इको ही जी है मार्क ड्रा करेगी, जबकि मोर्टाइज गॉज जी है वो असी दो पेन हो असी दो पैरल लाइन जी साइमल्टेनियसली ड्रा कर सकते हैं। कई जॉब्स के सू जरूरत पड़ती है कि दो लाइनस पैरल इकट्ठिया साइमल्टेनियसली ड्रा कर दिया होंगे ने अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यह सीगे साढ़े मार्किंग टूल। एक मार्किंग टूल जिहड़ा तुसीं जानते हो कि हरेक कारपेंटर की निशानी भी होंगी जिवें जी एच बी की पेंसिल है, वुडवर्क्स के अंदर असी एच बी की पेंसिल जी आम जिसनों आप ब्लैक मार्किंग वास्ते यूज़ करते हैं असी ब्लैक मार्किंग ब्लैक जिहड़ा आ पेंसिल ही यूज़ करते हैं क्योंकि कारण है वह असी वुड के उपर जदों मार्किंग करते हैं तो लैड वाली पेंसिल जिहड़ी होंदी है उसके उपर जो मार्क हों शाइन करता है वो जो निशान असी मार्क किया हों जल्दी एक तरह न जॉब तो डिलीट नहीं हों काफ़ी देर तक वो मार्किंग बनी रहती है असं उ काम कर सकते हैं। ये सी साढ़े दो मार्किंग टूल। इन मार्किंग टूल्स तो बाद असी गल करांगे कुछ साढ़े टूल्स ने जिन्हों असी प्लेनिंग टूल कह दें। प्लेनिंग टूल नाम तो ही पता लग रहा है जेडे वुड के सरफेस नूं प्लेन फिनिश देने वास्ते स्मूथ करने वास्ते यूज किए जाते हैं। यह जिवें तुहानूं नज़र आ रहा है वीडियो विच यह टूल जिहड़ा आ असी इस टूल नूं कहिंदे आ आयरन जैक प्लेनर। आयरन वर्ड इस करके क्योंकि टोटली लोहे का बनया हुआ आ सिर्फ इहदा हैंडल जिहड़ा आ वो हार्डवुड का बनया हुंदा आ। यह अगों इहदी नॉब हैगी है अभी इस डिफरेंट पार्ट्स तुहानूं दिखा भी सकते हैं जिवें इस क्लंप नूं खोल के असी इहदा ब्लेड वक्खरा कर लिया आ। इस ब्लेड दे विच इह जिहड़ा शार्प एज है असी इस नूं काम के दौरान जेकर ये टूल साडा ब्लंट हो जाए इहदी शार्पनैस खत्म हो जाए तो असी इहनूं तिखा भी कर सकते हैं। वो तिखा कदे नाल करना ये मैं बाद विच एक होर नवा टूल जो दिखावांगा उस नूं यूज़ करांगे। आ इहदी नॉब आ, इहदा हैंडल आ, इहदा उपरला कवर प्लेट आ, इह इक डॉग स्क्रू हुंदा आ जिहड़ा काम करन दे दौरान असी इस नूं ब्लेड नूं अगे जां पिछे करना चाहिए तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब न डेप्थ ऑफ कट जो सैट करना हो असी इस टूल में अगे पिछे कर सकते हैं। जिहड़ा तुहानूं मैं हुणे इह टूल दिखाया इस काम करन दे दौरान भी असी अगे पिछे कर सकते हैं। ये आयरन जैक प्लेनर थोड़ा जिहा वेट विच भी ज़्यादा होने करके बंदे का हाथ जिहड़ा आ उह वर्क कारीगर का हाथ जिहड़ा जल्दी थक जाता है तो असी एक टूल होर यूज करते हैं। जो आयरन जैक नहीं सी प्लेनर होंदे उदों लक्कड़ के बने हुए टूल ही जिहड़े आ आपां यूज करते होंदे सीगे सेम काम करदा ठीक है। वुडन प्लेनर है ये असी इस दे विच जैक वर्ड नहीं यूज करते, जैक वर्ड इसे करके यूज करीदा आ क्योंकि जैक दे नाल जैक दा मीनस असी उस ब्लेड नूं लिफ्ट कर सकते हैं। यह चीज़ ये वुड प्लेनर के जोड़े आ यह चीज़ नहीं होंगी, इन असी ये उपर हल्की जी स्ट्राइक करके ब्लेड में अगे या पिछे करना हों तो ये कंपैरेटिवली लाइट इन वेट हों भार घट हों जिस करके आदमी ज़्यादा देर तक एफिशेंटली ये किसी भी अपनी जॉब के उत्ते काम कर सकता है।
ਬਲੇਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਜੈਕ ਬਲੇਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਟੂਲ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ। ਵੁੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਸਾਹ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਸ਼ੋਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਸਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸ਼ੋਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਕਸਾ। ਸੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਕਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸ਼ੋਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਕਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਸਾਹ ਆ। ਇਸ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਿਊ ਬੈਕ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਬਲੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਟਿੰਗ ਟੀਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਗ ਜੈਗ ਫੋਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਗ ਜੈਗ ਫੋਮ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਟੀਥ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਟਿੰਗ ਟੀਥ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਥ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਥ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਆ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਮ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪ ਸਾਹ, RIP ਰਿਪ ਸਾਹ। ਰਿਪ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੁੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹ ਵਰਗੀ ਆਹ ਸਾਹ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪ ਸਾਹ ਵਰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਿਪ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਟਿਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ 1.5 ਇੰਚ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਮਾਰਕ ਕਰੇਗੀ ਵੁੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਟਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਪਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਸ ਸਾਹ ਆ ਇਹ ਕੰਪਸ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰੇਟ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਵ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੂਲਸ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਟੂਲਸ। ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਟੂਲਸ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਮਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਮਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
मेनली डिफरेंस देखोगे, देखो यह जरा हैमरिंग फेस है, किसी भी टूल का हैमरिंग फेस है जरा, इसनों असं कहने स्ट्राइकिंग फेस, स्ट्राइकिंग फेस जिस दे नाल असी किसी भी जॉब के उपर चोट लगाने। स्ट्राइकिंग फेस के अपोजिट जिहड़ा पार्ट आ इसनों असी कहने पीन, पी डबल ई एन पीन, ऐसी पीन जिवें देख रहे हो तुसीं गोल शेप च आ, इस टूल की पीन चपटी है, ठीक है। इस टूल का असी नाम लैने क्रॉस पीन हैमर, क्योंकि यह हैंडल इस तरीके देखिए तो आ जी पीन है यह एक दूजे को क्रॉस कर दी है, जिस करके असं इस कहने क्रॉस पीन हैमर, सी आर ओ डबल एस क्रॉस पी डबल ई एन पीन, दिस इज बॉल पीन हैमर। ए मिलता जुलता ही यह टूल है, देखो ए डिफरेंट कट बनया हो, देखो शायद वीडियो नज़र आ रहा है तुम, यह जरा कट आट स्पैशली कारपेंटरी के जरा टूल यूज किया जाता है हैमरिंग टूल वो ही हों, असी इस कह दें इस टूल का नाम क्ला हैमर, क्ला मीनस जिमें पंजा हों, पंजा पंजा उस तरीके ही यह टूल के जड़े है इस तरह बनया हो, इस क्ला हैमर कह दें। क्ला हैमर काम करने के दौरान जेकर कोई नेल्स कोई किल गलत जोड़ा है वह स्ट्राइक हो गया आ तो असी उस नेल में फसा के ते इस तरीके कट भी सकते हैं, ये सिर्फ नेल्स में बाहर कढ़ने वास्ते यदि इस तरीके की शक्ल बनाई होंगी है जिसनों आप कह दें क्ला हैमर। एक ऐ टूल है वुडवर्क्स के अंदर, इस बड़े ध्यान नाल यूज़ करना चाहिए है क्योंकि ये काम करने के दौरान जो आप जॉब पकड़ी होंगी है तो जॉब में आप स्प्लिट करने वास्ते दो फाड़ करने वास्ते रफली इस जो लकड़ आप फाड़ देना है स्प्लिटिंग करनी है उदों इस टूल का आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टूल जोड़ा बहुत ही रिस्की हों क्योंकि कई बार काम करद दौरान ये काम करने वाले के हाथ के उपर भी चोट मार सकता है, इसलिए इन बड़ा सेफ्टी यूज किया जाता है। इन चीज़ों के अलावा साढ़े को तीन टूल है ही अखरे देखे हो, एक फाइल, फाइल जिसनों आप पंजाबी कह दें रेती, ठीक है। जिहड़ी फाइल है रेती है, अदरवाइज तो ये किसी रफ सरफेस में आप फिनिशिंग वास्ते यूज़ करते हैं, पर इस तरीके की जिहड़ी फाइल है तुसीं स्पैशली ध्यान नाल देख सकते हो, ये उपर तिखे तिखे किनारे किनारे जो बने हुए हैं, ये शक्ल भी देख सकते हो तुसीं क्रॉस सैक्शन वाइज दिखाना चाहो तो, ठीक है। ये की करती है, ये समूथ सरफेस में रफ करने का काम आती है, असीं इसनूं कहिंदे आ रैस्प या रैस्प कट फाइल या रैस्प फाइल, आर ए एस पी रैस्प, जिथे भी कितने सरफेस फिनिश हैगी है असी उत्थे ग्लू दे नाल इसनूं जॉब नूं जोड़ना होवे दो पीसिस वुडन दे पीसिस नूं तां सरफेस नूं असी रफ करके इस तरीके नाल, ठीक है, उहदे उपर असी ग्लू वगैरह कोई फैविकोल है या कोई जो भी साडे कोल अडहेसिव असी यूज़ कर रहे हां असी उस नूं यूज़ करके ते उपर किल वगैरह जिहड़े हैगे आ उहदे उपर पीयर्स कर दिंदे आ ठोक दिंदे आ हैमरिंग करके ते जॉइंट जिहड़ा है उह मजबूत हो जांदा है। यह दो साढ़े कटिंग टूल है जिन्हों असी कह दें कारपेंटरी शॉप च चीजर, यह एक टूल जिहड़ा तुसी देख रहे हो क्रॉस सैक्शन वाइज भी देख सकते हो, इसनों किस तरह की इहदी शक्ल है अगों चपटा हुंदा है, असी इहनूं कहिंदे आ फर्मर चीजर, चीजल, चीजल मीनस पंजाबी जिहनूं कह दिंदे आ आपां छैणी, सी एच आई एस ई एल चीजल, दिस इज
फर्मर चीजल, दिस इज मोर्टाइज चीजल। मोर्टाइज चीजल वुडवर्क्स के अंदर तुम एक चीज ध्यान दी होगी बचियो कि जो कि खोल तैयार किया जाता है तो होल राउंड की बजाय या स्क्वेयर तो या रैक्टेंगुलर शेप की जोड़ा वो तैयार किया जाता है। इतने मैं तुम्हें दिखा भी सकता कि जिस तरह का आ खांचा बनया हुआ है असी इधरों कट मार के जेकर ए लकड़ रिमूव करना चाहिए तो वह असी इस टूल की मदद नाल इस तरह लकड़ जी वो बाहर कड़ी दी है। स्क्वेयर होल तैयार कर लगे हाँ असी इस टूल की वरतों करते हैं। इस टूल का नाम मोर्टाइज चीजल एंड दिस इज फर्मर चीजल। फर्मर चीजल फ्लैट सरफेस के उपर भी असी यूज कर सकते हैं, एस सरफेस के उपर भी असी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन टूल्स न चला लग्या बड़े ध्यान रखना चाहिए आ कि यह जरा शार्प कटिंग एज है तुम देख रहे हो गए वीडियो च शार्प कटिंग एज जेडे पासे जॉब के आप मटीरियल रिमूव करना आ यह कटिंग एज उस साइड पर होना चाहिए आ जे असी आप उल्टा करके यूज करा तो यह जॉब के फिनिशिंग लिया की बजाय जॉब की कटिंग कर देगा। जिथे असी चाहते हैं भी कटिंग ना हो उस पास ट्रैवल कर शुरू कर देगा, फिर साढ़े कंट्रोल च नहीं रहेगा। असं इस बड़े ध्यान यूज करना है। तो किस तरह वुड के उपर जिमें आप इतने रखा, ठीक है, जिस भी चीज़ के उपर आप कटिंग करनी है उस थान के उपर रख के ये उपर आप स्ट्राइक करनी है। स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्राइक नहीं करनी, बहुत जेंटली भी नहीं करना, नॉर्मल प्रेशर के नाल आपां इसकी कटिंग कर सकते हैं। यह बच्चों से साढ़े मेन कारपेंट्री टूल्स, इन तो इलावा कुछ साढ़े को कारपेंट्री की शॉप के यहोजी चीज़ा भी है जिमें देख रहे हो फैविकोल, जिथे भी असी लकड़ का जॉइंट बनाना है वो अंदर एक ग्लू होंगी है, ग्लू जोड़न वाला एक एडेसिव है, कैमिकल है जिसनों आप मार्केट में आम फैविकोल के ब्रांड नाल आप याद कर जानते हैं इन्हों। ठीक है, फैविकोल एक ब्रांड का नाम है, नॉट एडेसिव का नाम नहीं है। ऐसे तरीके की एक होर भी पेस्ट आती है, सोल्यूशन आते हैं एच आर सोल्यूशन, एस एच सोल्यूशन। एस एच सोल्यूशन जोड़े गए वो स्पैशली उदों यूज किए जाते हैं जो प्लाईवुड के उपर आप मार्क करते हैं कोई सनमाइका का पीस लगाना है। ठीक है, उदों आप यूज करते हैं। इन सारिया चीज़ों तो इलावा वुडवर्क्स के अंदर जी है एक रॉ मटीरियल जोड़ा तुम जानते हो कि रॉ मटीरियल साडा है वुड, जिद बारे आप पहला गल कर लगे सी वुड जी है वो मार्केट में क्योंकि एक नैचुरल चीज़ है असी इस दो तरीके क्लासीफाई करते हैं। एक हैगी है सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड एक हैगी है हार्डवुड। हार्डवुड नाम तो पता लग रहा है, सॉफ्टवुड जी है वो थोड़ी सॉफ्ट होंगी है, ये उपर काम करना ये उपर कोई भी टूल यूज करना वो ईजी हों, आसान हों, काम भी ये उपर यदि वर्केबिलिटी ज़्यादा है। इस करके जे असी हार्डवुड यूज करा तो हार्डवुड के उपर काम करने वाले भी जी है मुश्किल होंगी है, वुड के उपर वर्केबिलिटी काफ़ी सारी मेहनत करने तो बाद काम वो तो थोड़ा हों। इसलिए मार्केट के अजक जोड़े है ज़्यादातर जोड़े कारपेंटर है वो मशीनी का जरा काम जरा मशीनरी की हेल्प कर लग गए। इस हार्डवुड से सॉफ्टवुड की पहचान करनी भी बहुत जरूरी है बेटा, जिसनों असी आइडेंटिफिकेशन एक टॉपिक के अंदर स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुड वैदर इट इज़ हार्डवुड और सॉफ्टवुड। जेडी लकड़
कलर दे विच लाइट है जिसका रंग ज़्यादा डार्क नहीं है। वो लकड़ सॉफ्टवुड विच दी कैटेगरी जाएगी। जेड़ी लकड़ डार्क इन कलर है, जिस लकड़ का कलर डार्क है, वो जिहड़ी है हार्डवुड की कैटेगरी जाएगी। असी इस नूं सिंपली अपनी नेल्स दे नाल चैक भी कर सकते हैं, सानूं लगेगा कि बहुत ये सॉलिड स्ट्रक्चर हैगी है, जबकि इनू असी जो ध्यान ना देखांगे तां ये अंदर पोरोसिटी जी